हेलो एवरीवन, आई एम पुनित एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। एंड टुडे वी विल डिस्कशन अबाउट द टॉपिक ऑफ इन लीडरशिप चैप्टर थ्योरी ऑफ लाइफ साइकिल, थ्योरी ऑफ लीडरशिप या फिर सिचुएशनल लीडरशिप क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके बारे में हम प्रॉपर जानेंगे कि इस थ्योरी के अंदर बेसिकली दिया क्या गया है विद डायग्राम। Okay, so let's start. Firstly, we will discussion about that life cycle theory is given by Hersey and Blanchard identify two dimension of our leadership. इसके अंदर क्या किया गया, दो dimension लिए गए हैं leadership की, हमें किस situation के अंदर कौन से leadership style को adopt करना चाहिए, task and relationship behavior. ओके, सो हम विद द डायग्राम हम समझेंगे कि कौन से फॉलोअर्स के साथ हमें कौन से लीडरशिप स्टाइल को अडॉप्ट करना चाहिए। बेसिकली इस थ्योरी के अंदर हमें दो चीजों के बारे में बताया गया है कि कौन से फॉलोअर होते हैं और कौन से फॉलोअर पे हमें कौन सा लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट करना है, वो हम जानेंगे विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। सो Now we will discussion about the in a life cycle theory discussion the appropriate leadership style describe the association between leader and follower. इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम लीडर एंड फॉलोवर का रिलेशनशिप एंड किस स्टेज पे हमें कौन सी थ्योरी को अडॉप्ट करना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इजी थ्योरी है, बहुत ही शॉर्ट सी थ्योरी है, सो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अगर आपको समझ में ना आए, कहीं कोई प्रॉब्लम लगे, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं हमसे। ओके, सो इसके अंदर हमें रिलेशनशिप बताया गया है लीडर एंड फॉलोवर थ्रू अ लाइफ साइकिल थ्योरी फोर फेजेस। इसने क्या किया, फोर फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है, 1, 2, 3, 4। ओके, सो फर्स्टली इसने बोला कि टेलिंग स्टाइल। इसने बोला कि जब हम लीडर्स और फॉलोवर के बीच में जब रिलेशनशिप देखते हैं कि हमें कौन सी थ्योरी को अडॉप्ट करना चाहिए, कौन से लीडरशिप स्टाइल को अडॉप्ट करना चाहिए, तो हम किस बेसिस पे देखेंगे, वो हम देखते हैं टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग। ओके, सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टेलिंग के अंदर क्या होता है, हाई टास्क लो रिलेशनशिप। और ये जो रिलेशनशिप है, ये कब फॉलो किया जाता है, व्हेन फॉलोवर आर वेरी लो मैच्योरिटी। यानी कि फॉलोवर क्या होते हैं, वेरी लो मैच्योरिटी होती है, उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं होती। अब आइए डायग्राम के अंदर, यहाँ पे है टेलिंग। सो टेलिंग के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि हाई टास्क एंड लो रिलेशनशिप, हाई टास्क है और लो रिलेशनशिप। लो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है, लो है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो ये फॉलोवर है वो क्या है, अनेबल है एंड अनविलिंग है। यानी कि एक होता है एबल और विलिंग। क्या होता है एबल का मतलब होता है एबिलिटी टू डू अ वर्क, एंड विलिंग क्या होती है, हम काम को करने के लिए विलिंग है या नहीं है, हम काम करने के इच्छुक है या फिर नहीं है। तो जो टेलिंग के अंदर जो फॉलोवर होते हैं वहां पे क्या होता है, अनेबल भी होते हैं और अनविलिंग भी होते हैं। यानी कि उनको काम करने का पता भी नहीं है और वो अनविलिंग होते हैं, काम करने के इच्छुक भी नहीं होते और एबिलिटी भी नहीं होती। लाइक आप सपोज मान सकते हो कि जैसे कि हम स्टार्टिंग में अगर कोई काम कर रहे हैं, ओके, जैसे कि मान लीजिए अभी हम स्टडी करें, स्टडी के अगर जस्ट बाद हमें कोई भी अगर कोई काम करने के लिए दे दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, हम अनेबल भी है और अनविलिंग भी है। उस टाइम, एट दैट टाइम हमें क्या होगा, हाई टास्क, यानी कि हमें ज्यादा डायरेक्ट किया जाएगा, ज्यादा हमें क्या किया जाएगा, बताया जाएगा कि किस काम को किस तरीके से करना है, स्ट्रिक्टली पेस भी आया जाएगा, ठीक है। तो वो होता है आपका टेलिंग के अंदर, जहां पे फॉलोवर को हर एक छोटी से छोटी बात आपको बतानी पड़ती है और उनसे काम करवाना पड़ता है। नेक्स्ट फिर बात करते हैं सेलिंग की। सो सेलिंग के अंदर क्या होता है, हाई टास्क हाई रिलेशनशिप। इसके अंदर हमारा होता है हाई टास्क ओरिएंटेड और हाई रिलेशनशिप। एंड कहाँ पे अप्लाई होता है, व्हेन फॉलोवर आर लो मैच्योरिटी। यानी कि यहाँ पे है वेरी लो मैच्योरिटी, यहाँ पे लो मैच्योरिटी। अब अगर इसके ऊपर आ जाते हैं सेलिंग पे, सो सेलिंग पे क्या है, जो फॉलोवर होते हैं अनेबल होते हैं एंड विलिंग। यहाँ पे जो फॉलोवर्स होते हैं वो अनेबल होते हैं, उनकी एबिलिटी नहीं होती काम करने की, बट वो विलिंग होते हैं,
ठीक है। लाइक अब मान लीजिए सपोज आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो अगर जैसे ही आपका एग्जाम क्लियर होता है सो आप एबल होते हो टीचिंग के लिए कि मेरे को टीचिंग फील्ड में जाना है, मेरे को यूनिवर्सिटी पढ़ाना है, कॉलेज में पढ़ाना है, ओके नेट जेआरएफ के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। सो आप क्या हो, आप अनेबल हो, लाइक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा क्योंकि जैसे जैसे आप काम करोगे वैसे वैसे आप एक्सपीरियंस को गेन करते हो, बट आप विलिंग हो, ठीक है। लाइक सपोज अगर मान लीजिए कि कोई भी जॉब पे अगर आप न्यू लगे हो किसी भी जॉब के ऊपर, सो आप क्या हो वहां पे, विलिंग हो, बट आपको थ्रू द ट्रेनिंग आपको एबिलिटी आपके अंदर क्रिएट की जाएगी, जनरेट की जाएगी आपके अंदर, ठीक है। सो ये आ जाता है आपका सेलिंग में, जहां पे फॉलोवर क्या होते हैं, नए होते हैं, जो काम करने के विलिंग होते हैं बट अनेबल होते हैं। थर्ड वन अगर बात करते हैं यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग के अंदर क्या होता है, लो टास्क हाई रिलेशनशिप, लो टास्क एंड हाई रिलेशनशिप। सो यहाँ पे जो फॉलोवर होते हैं वो क्या होते हैं, हाई मैच्योरिटी, यानी कि वो क्या होते हैं, हाई मैच्योरिटी लेवल के होते हैं। यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग में होता है एबल एंड अनविलिंग, वो एबल तो होते हैं, उनको काम आता है, बट वो क्या हो जाते हैं, अनविलिंग हो जाते हैं, उनकी इच्छा नहीं रहती काम करने की। लाइक अगर मान लीजिए आप डेली रूटीन में एक ही एक काम कर रहे हो, अगर आपको जैसे जॉब मिल गई और आप डेली रूटीन में वही वही काम कर रहे हो, सेम काम कर रहे हो, सो आप बोर हो जाते हो। जैसे क्लासरूम में भी आप लगा सकते हो कि डेली आप जब स्कूल में जाते थे तो डेली आप स्कूल में जाना, फिर घर, फिर होमवर्क करना, फिर स्कूल, तो उससे क्या हो जाते हैं, एक डेली रूटीन से बोर हो जाते हैं। सो आप क्या हो, एबल हो बट अनविलिंग हो, काम करना नहीं चाहते। तो आपको किस तरीके से काम करना चाहिए, जब आपका पार्टिसिपेशन अगर करवाया जाता है, मान लीजिए जैसे स्कूलों में होती है, अदर एक्टिविटीज होती है वहां पे आपका पार्टिसिपेशन होता है, ओके कोई और फंक्शन होता है वहां पे आपका पार्टिसिपेशन करवाया जाता है, आपके कुछ डिसीजन या फिर सजेशन आपके लिए जाते हैं, कुछ डिसीजन में आपका रोल होता है, सो वो जो होता है वो होता है पार्टिसिपेटिंग, जहां से आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है। सो एट दैट टाइम जो फॉलोवर होते हैं वहां पे लीडरशिप कौन सा अडॉप्ट करना चाहिए, पार्टिसिपेटिंग, की सारे जो फॉलोवर है उनको इंक्लूड करना, उनसे सजेशन लेना, उनसे डिस्कशन करना। नेक्स्ट आता है आपका डेलीगेटिंग, डेलीगेटिंग के अंदर क्या होता है, लो टास्क होता है और लो रिलेशनशिप, और ये कहां पे फॉलो किया जाता है, व्हेन फॉलोवर आर वेरी हाई मैच्योरिटी, यहां पे क्या होता है, वेरी हाई मैच्योरिटी। सो यहाँ पे क्या होते हैं, जो फॉलोवर होते हैं एबल होते हैं एंड एज वेल एज अ विलिंग होते हैं। सो यहाँ पे डेलीगेटिंग का मतलब क्या होता है, एज यू ऑल नो डेलीगेटिंग इज द शेयर द वर्क विद अदर, वही होता है हमारा डेलीगेटिंग, ओके। सो डेलीगेटिंग में क्या होगा कि जो वर्कर्स होते हैं या फिर जो फॉलोवर बोल सकते हो आप, जो फॉलोवर्स होते हैं उनको सारा काम आता है और वो काम करने के इच्छुक भी होते हैं, तो उनको ज्यादा डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो जो भी काम कर रहे हैं उनके बीच में इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो ऑलरेडी एबल एंड विलिंग है। सो यहाँ पे हमें अप्रोच कौन सी अपनानी चाहिए, डेलीगेटिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप एंड सिचुएशनल लीडरशिप। सो आपको ये थ्योरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू एवरीवन।